मैं रोहन भाई थोड़ा अंदर या नाइस थैंक यू लिया मैम साथ में साथ में करण सर करण सर निधि निधि भाई भाई हम भी है Make some noise, boys! Come on, Landy. You can do it. Keep going. Easy. Oh, okay. All right. Talia. Everybody go ahead and tag her in the house. Karan, that's cheating. You cross the line. Got it, man.
Thank you. My camera first. Yes, sir. That one up there. Hey, Nidhi, my camera, yo. Nidhi. My hand. Second, yeah. Okay, one last look here, everyone here, please. Thank you. Thank you. Hello. Hello. हाँ जी सर, रेडी जी। यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे आप देख सकते हैं, वी हैड टू डू दिस ऑब्स्टिकल कोर्स विच इज़ लुकिंग वेरी इजी टू बिगिन विद बट वाज़न दैट इजी, बट टू बी एबल टू डू समथिंग फॉर डिफाई आई थिंक वाज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई गेट टू मीट माई फ्रेंड्स हु आई डोंट यूजुअली मीट इन बॉम्बे, बट आई गेट टू वर्क आउट टुगेदर नॉर्मली, सो इट्स बीन फन। सो इट्स नाइस, वी गॉट टू वर्क आउट टुगेदर एंड हैंग टुगेदर, सो इट्स लवली। बड़ा मज़ा आया। आज मैं जानबूझ के जिम नहीं गई क्योंकि मुझे पता था साकिब यहाँ होगा डिफाई के इवेंट पे और वो मुझे डिफाई करने की कोशिश करेगा, इसलिए आज का जो वर्कआउट था नहीं हुई और वो चैलेंज बना दिया एक्चुअली साकिब ने। इट वाज जस्ट अ नॉर्मल वर्कआउट बट नाउ इट बिकेम लाइक अ कॉम्पिटिशन एंड फन एंड मज़ा आया यार। ऐसी ऐसे एक्टिविटीज़ होते रहने चाहिए। आई थिंक आई एम ऑल फॉर फिजिकल फिटनेस, सो इज साकिब। कम 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 कम
I'll do squats. You do squats? Let's do squats. Let's do squats. Ready. One, guys, let's see who goes deeper. Wait. Ready. Single leg squat. No. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. When do you want to stop? 5, 6, 7. On 10 we have to hold. Okay. 9. Who holds 10. The and hold. And hold. How long do you want to hold, Ria? This is supposed to be do you want to go on one leg and hold? Or come on. Come on. Come on, you've got this. I'm Rakesh. Come on. I look good. Further down. Further down. You come down. I'm 40. I can be your brother. What's up, let's do this. Hilo. Hilo, chalo. It's very evident you guys don't meet each other often. Ria, that was well done. Well done, Ria. I let her win, you know. I believe. He's a chivalrous guy who doesn't believe in equality, so he let me win. I believe in equality always. Yes, sir. Next question. I think all of us know each other. And aisa koi competition nahi tha yaar, to be really honest. We had a great time doing this together. Like I said, jab main aaya tha tab maine socha nahi tha itna difficult hoga, but ab saath saath school gayi hai to maza aaya. Like Ria said, I didn't go to the gym either, so this was a good exercise for all of us. नहीं नहीं हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे लेकिन बहुत मजा आया. It's nice to work out with people who enjoy working out, who also are into physical fitness. और यहाँ पे सब लोग हैं, they are all into physical fitness. तो हमें बड़ा मज़ा आया. ट्रैम्पोलिन पे कूदे, स्पोर्ट्स खेला, जिम रूटीन भी किया. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, मैं आपको बता दूँ. आज इसने एक छक्का मारा जो मॉल के बाहर बिल्कुल नहीं गया. That is exactly my answer. I just told her before we did this interview, so she copied my answer. But yeah, 45 minutes to an hour, and now we have Mandira Bedi and Karan Chakra in the house. See you guys. Thank you. Ciao, ciao, ciao. लगा दिया वहाँ पे. ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये एक all encompassing, truly Indian brand है. जो इंडियन कंज्यूमर के लिए बना है, अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस में. सो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी में कहीं कोई खामी नहीं है. एंड दैट्स व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द ब्रांड, इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी एट प्राइसेस दैट सूट इंडियंस. तो इट वाज वेरी नाइस होस्टिंग द शो. और फरहान अख्तर, रितेश सिद्वानी और अनिल कुंबले जैसे महारथी इस ब्रांड को बैक कर रहे हैं. और मज़ा भी बहुत आया क्योंकि करण, साकिब, निधि और रिया एक ऑब्स्टिकल कोर्स में चैलेंजेस फेस कर रहे थे और उनको भी मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया. इट वाज ग्रेट फन. हाँ जी, इट वाज अ लॉट ऑफ फन यार. आई थिंक अ ब्रांड लॉन्च लाइक दिस हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है, इवन फॉर पीपल लाइक अस. लाइक व्हेन एक्टर्स कम ऑन बोर्ड, व्हेन ऑल ऑफ अस कम ऑन बोर्ड, व्हेन यू मेक इट एक्साइटिंग फॉर अस, आई थिंक नेचुरली यू एंड अप गेटिंग वेरी इन्वॉल्वड. और द एंटायर एनसेंबल इज वेरी नाइस. फ्रॉम इट्स वेरी ऑल राउंडेड ब्रांड, फ्रॉम शूज, फ्रॉम क्लोथ, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, सो एवरीथिंग के एक इंसान को चाहिए जिम जाने के लिए, फिटनेस के लिए, चाहे वो कहीं पर भी हो. दैट्स व्हाट दे वर ट्राइंग टू प्रूव ऑन द ट्रैक देयर, कि यू कैन रन इन इट, यू कैन प्ले बास्केटबॉल इन इट, यू कैन प्ले फुटबॉल इन इट, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जिम ट्रेनिंग कर सकते हैं. तो बड़ा ऑल राउंडेड ब्रांड एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स कूल अबाउट इट. हाँ जी, क्या कहना था, बड़ा मजा आया यार. एक्चुअली आई थिंक ऑल ऑफ अस मिस्ड आवर जिम टुडे. आप पसीना देखो. नहीं, आई डिडंट. लाइक लिटरली आप, मुझे पता नहीं था मैं कितना करने वाली हूं. मैंने जिम करके आई, पर इनका पसीना देखो, इन्हें वी एक्चुअली डन दिस. हां, मतलब कुछ किया यहां पे, ऐसे दिखाई देता है. बड़ा मजा आया. द मोस्ट फेवरेट थिंग टू डू वाज द टायर फ्लिप. आई लव डूइंग टायर फ्लिप्स पर्सनली. सो वो टायर फ्लिप करने बड़ा मजा आता है. फिटनेस मंत्र आई थिंक मैंडी का एविडेंटली बहुत सिंपल है कि आज वो ये ट्रैक करने आई है, बट फिर भी सुबह जिम होकर आई है. सो आई डोंट थिंक यू हैव एन ऑफ डे. पता नहीं था मुझे कितना यहाँ करने को मिलेगा. तो मैं जिम जब मैं बॉम्बे में हूँ तो बिल्कुल मिस नहीं करती. जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल जाता है किसी ना किसी होटल में. पर आई वर्कआउट 5 days a week. मेरा और कोई मंत्र है नहीं.
सेम यार, मेरे लिए ना वर्कआउट इज अ वे ऑफ लाइफ. इट्स द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग. जब मैं उठता हूँ मैं सबसे पहले नाश्ता करके सबसे पहले जिम जाता हूँ या आई गो फॉर अ रन. एंड इट्स एन एवरी डे थिंग. आई डोंट बिलीव इन ऑफ डेज फॉर अ सिंपल रीजन, बिकॉज आई फील लाइक वर्किंग आउट इज लाइक वॉकिंग. जिस तरह से आप हर दिन चलते हैं, आप अपनी टांगों तो नहीं बोलते मैं कल सुबह नहीं चलूँगा. सो मेरे लिए जिम इज लाइक दैट. बट आई थिंक फिटनेस इन जनरल फॉर मी स्टार्ट्स हियर इन द हेड. सो इफ आई हैव अ साउंड माइंड, इफ आई एम हैप्पी, अगर मैं खुश हूँ दिमाग में, तो आई फील फिटनेस जस्ट फॉलोज इन द बॉडी देयर ऑन. और मैं ये एक और चीज़ कहूँगी एज अ सॉर्ट ऑफ कोरोलरी टू दिस, कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ टू बी मेंटली इमोशनली स्टेबल, नॉट जस्ट फॉर फिजिकैलिटी ऑफ इट. क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर जो है, जब मैं थोड़ी दुखी फील करती हूँ तो मैं दौड़ने जाती हूँ, या मैं जिम जाती हूँ, आई फील you know those happy hormones come back and make me feel happy in again. In fact, I feel you know she's so right, because mereko lagta hai weight training ka side effect is a nice body, but the first reason why you weight train or you exercise is ki aap mentally fit to rahe. Feel good and to I think that's good. Where people go wrong, people go to the gym just to look a certain way. I think if you start feeling good from inside, but that comes after a little while. Pehle aapki pehli motivation jo hoti hai, it's to actually it's to look it's good. Aesthetic. Aur phir aapko pata chal jata hai ki exercise se kya kuch nahi milta. That's right? True. That is true. Iske alawa Kerala mein flood aaya hai. Haan ji. It definitely bahut sad hai. I think it's very upsetting that this has happened in our own country, but at the same time it's bahut encouraging hai ki jis tarah se sare hindustani ekjut ho gaye hain to support the people there. Haan ji, help aaya hai aur har banda bada proactively kar raha hai. Ji, ye nahi hai ki hum ek hota hai ki prayers for Kerala, prayers for Kerala. Yahan pe bahut log proactive hue hain, bahut kuch kar rahe hain, but it's still very sad ki so many parts of our country cannot deal. I mean, this is self-sufficient. Monsoons like, is a part of our life. Monsoons is a part of what India is about. It's sad that a lot of areas in our country can't deal with the monsoons. And I think India only needs to get a little more prepped, a little more equipped for things like this to happen. Because unfortunately, क्या होता है कि इसका जो bearing होता है वो citizens पर होता है. So I feel very sorry for the people in Kerala at the moment, and only good wishes and prayers with them and their families. And I really hope that for the next season around, as a country, we are a little better equipped and just make it safer for everybody. The ones who are affected rebuild their lives at the soonest. सर बस अभी तो आपने मेरे को लगता है न्यू ईयर तक सारे पूछ लोगे, क्रिसमस आएगा बीच में, न्यू ईयर आएगा. मेरे भैया सिंगापुर में रहते हैं, मैंने किसी को फिजिकली राखी टाई नहीं किया बहुत टाइम से, मेरे को सिंगापुर अपनी राखी भेजनी पड़ती है हर बार. बट आई रिमेंबर माई ब्रदर ड्यूरिंग राखी, आई थिंक ऑफ हिम, आई स्पीक टू हिम, एंड आई विश ऑल द ब्रदर्स इन द वर्ल्ड ऑल द वेरी बेस्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट राखी नाउ. ओके राखी, ओके ओके. इट्स अ न्यू डिफाइंग मोमेंट. वेल राखी है, राखी इज वेरी स्पेशल यू नो, बिकॉज माई सिस्टर लिव्स विद मी, एंड हमारे घर में एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल होता है, बट सिर्फ चार लोगों के बीच में होता है. आयरॉनिकली माई सिस्टर टाइज राखी टू माई डैड ऑल्सो, बिकॉज मेरे पापा की सारी जो बहनें हैं वो दिल्ली रहती हैं. बट या इट्स अ लवली फंक्शन एंड इट्स अ लवली फेस्टिवल एंड इट्स थॉरली एंजॉयड. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. This today, DFI, so I'm so happy to be associated with DFI, and I'm so happy that they chose me to be their face. And it's been amazing, it's been so much fun. I'm actually finally sweating now, as you all can see. But yeah, it's been a lot of fun. I genuinely really love their clothes. So I finally found amazing gym wear that I can wear every day. I love going to the gym. Fitness is a really important part of my life, not just for my body, but because of my mind. You feel very good when you exercise, and dancing is also a huge part of my life. It's आज के एक्सरसाइज में टफ क्या था, टफ वो जंपिंग वाला, वो थोड़ा हाई था, तो दैट वाज अ बिट टफ. या काफी टास्क क्या कुछ डिफरेंट लगा आपको? या बास्केटबॉल, इट वाज वेरी डिफरेंट. मैंने ऐसा ड्रिल कभी नहीं किया है पहले, सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन. आई डिडंट एक्सपेक्ट टू हैव सो मच फन एट लाइक अ ब्रांड लॉन्च, बट इट्स बीन टू मच फन. दिस वाज वेरी वेरी डिफरेंट. या आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. नेचर जब डिसाइड करती है समथिंग, लाइक यू कांट कंट्रोल दैट, देयर इज नो इमीडिएट सॉल्यूशन. बट आई थिंक वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट इन आवर ओन वे, थोड़ा सा जितना भी कर सकते हैं, विच आई हैव डन एज वेल. बट जितना भी, हाउ मच एवर यू कैन कंट्रीब्यूट, जस्ट कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट. एंड या आई गेस जस्ट प्रे फॉर केरला. And it could have been any place, you know, it just happens to be Kerala, so it's really sad. Yeah. Iske alawa makeup ji,
Jis, congratulations. She's killing it. She's like a global star and I have so much of respect for her. I'm a Priyanka Chopra fan and I really respect her for where she's gotten to all on her own and it's just amazing. Yeah. Brothers, protect your sisters. Sisters, protect your brothers. I don't have a brother, I have a sister. But we still celebrate Raksha Bandhan, hai na? Yeah. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Ji. Oh. So I'm shooting for two films right now. Ek hai Savyasachi, Chaitanya ke saath mein, aur ek hai ek dusri film unke bhai ke saath mein, Akhil ke saath mein, directed by Venky. And it's amazing. Dono characters bahut different hai. Aur release bhi dono ka year end mein hoga. So I'll have two back-to-back films releasing. Amazing, amazing. He's just amazing to work with. So positive, so motivating. And I don't want the shoot to get over because I'm loving working on that set. Yeah. Release date is 2nd of November. Trailer, I don't know kab aayega, but I hope soon. Mujhe bhi dekhna hai. So I hope soon, yeah. यार पता नहीं यार टू बी रियली ऑनेस्ट मैं और हुमा ना वो वाले भाई बहन है जो फ्रेंडशिप डे ज्यादा मनाते हैं रक्षाबंधन से बिकॉज वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स बट ऑफकोर्स वील डू अ लिटिल लंच और अ लिटिल सेलिब्रेशन एट होम एंड आई हैव सम गिफ्ट फॉर हर यार बचपन की यादें राखी को लेकर ये हैं जब भी हमारे कॉलोनी में राखी होती थी जब मैं दिल्ली में बड़ा हो रहा था मैं उस दिन घर से नहीं निकलता था मुझे लड़कियों से राखी बंधवाना पसंद नहीं था बट आई हैड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम माय कॉलेज फ्रॉम माय स्कूल इनफैक्ट हु यूज्ड टू टाई मी राखी तो पिछले 20 साल से मेरी दो बहनें हैं अदिति वैशाली तीन बहनें इनफैक्ट एंड अनविता दे टाई मी अ राखी एंड हुमाज टाइड मी अ राखी ऑन एंड ऑफ जब उसका मन किया वो तब बांधती वैसे नहीं बांधती यार ही इज लुकिंग अमेजिंग यार बॉब सर इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन द इंडस्ट्री आई हैव ही इज सच अ वार्म एंड नाइस गाय आई विश हिम सनी सर धर्म सर ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म कृति बेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म बट ही इज लुकिंग स्मैशिंग यार इजंट ही लुकिंग गुड डोंट यू लाइक द ट्रांसफॉर्मेशन वी कॉल हिम बॉडी देओल वी डोंट कॉल हिम बॉबी देओल एनी मोर बिकॉज ऑफ दोज आर्म्स इनफैक्ट मेरी उनसे रात को ही बात हुई सो आई सॉ पिक्चर ऑनलाइन ऑफ हिम व्हेन ही इज वॉकिंग एंड ऑल तो आर्म्स बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने आर्म का एक स्क्रीनशॉट लेके भेजा मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हैं सो आई जस्ट लव द गाय मैन आई विश हिम ऑल द लक आई होप ही कीप्स डूइंग वेल ही इज वी कॉल हिम लाइक आई से वी कॉल हिम बॉबी देओल आई हैव अ न्यू नेम फॉर हिम ऑल्सो विच इज बॉबी देओल वर्जन 2 ही इज द न्यू बॉबी देओल सर बधाई हो उनको मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली उन दोनों को तो आई कैन विश देम ऑल द लक बट इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता थैंक यू